हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरी जाम टेक। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा कि जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का एग्जाम 31 अगस्त को होने वाला है, उसमें आपको कितना क्वेश्चन करके आना है और दोस्तों कितना कट ऑफ रहने वाला है 2020 में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के एग्जाम में। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा और दोस्तों यह भी जाना जाएगा कि 2018 में जब इसका पहले पेपर हुआ था तो उसमें कितना कट ऑफ गया था। तो दोस्तों, इसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा किया जाएगा जो कि आपके एग्जाम से संबंधित है। तो वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है दोस्तों इस वीडियो में। आपको यह जानना जरूरी है कि आपको कितना गुड अटेम्प्ट रहने वाला है, आपको कितना करके आना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के एग्जाम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरा चर्चा किया जाएगा। और दोस्तों, यदि आप नए हो हमारे चैनल पर तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से संबंधित जो कि आपके पढ़ाई में बिल्कुल हेल्प करने वाली हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं प्रीवियस ईयर से संबंधित। तो प्रीवियस ईयर के वहाँ पे पेपर दिए हुए हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं, बहुत ही जरूरी हैं जो कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। तो दोस्तों, वहाँ से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख लीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, उसके बाद आगे का वीडियो देखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों कि कितना क्वेश्चन करके आना है। पहले तो आपको यह मैं बताने वाला हूँ कि कितना क्वेश्चन करके आना है आपको इस एग्ज़ाम में, उसके बाद कितना कट ऑफ रहने वाला है और दोस्तों पहले कितना कट ऑफ इसका रह चुका है 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का उसका। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि चूँकि 200 जो है क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में और 200 नंबर का होगा, मतलब एक क्वेश्चन पे एक नंबर मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जानते हैं आपका चार सेक्शन है। चार सेक्शन मतलब रीजनिंग है, रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से, उसके बाद जीएस से, उसके बाद जो है अपना इंग्लिश से। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये जो है मैं बताने वाला हूँ, रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है वह लगभग इजी टू मॉडरेट होता है, उसे हर कोई इंसान अधिक से अधिक कर लेता है क्योंकि रीजनिंग में नंबर गेन करने वाला सब्जेक्ट होता है एक। यदि आप सही से पढ़े हैं तो उसमें नंबर अधिक से अधिक उठा जा सकता है। तो दोस्तों, उसमें आपको तो 40 से 45 क्वेश्चन करके ही आना है, ये आप मान के चलिए। यदि आपने रीजनिंग को पढ़ा है बढ़िया से तो 40 से 45 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। 40 से 45 क्वेश्चन करके आइएगा। यदि दोस्तों निगेटिव मार्किंग रहेगा तो, यदि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा तो पूरा करके आइएगा। दोस्तों, ये चूँकि क्लियर नहीं है कि एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग है कि नहीं आपके, और दोस्तों यदि वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। यदि निगेटिव मार्किंग रहेगा तब तो आपको 40 से 45 क्वेश्चन मैक्सिमम करके आने हैं रीजनिंग से, और यदि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा तब तो आपको पूरा करके आना। तो मैक्सिमम 40 से 45 क्वेश्चन रीजनिंग के यदि कोई स्टूडेंट करता है, और दोस्तों यदि वह स्टूडेंट यदि मान लीजिए वह 40 क्वेश्चन करता है रीजनिंग से, और दोस्तों यदि वह स्टूडेंट 35 क्वेश्चन करता है जो है जीएस से, तो उसके कितने हो गए, तो 40 30 70 5 75 75 क्वेश्चन जो है उसके हो गए 75 नंबर के। ठीक है दोस्तों, 75 नंबर के इसमें से हो गए। और यदि वह जो है इंग्लिश में करता है नियर अबाउट 40 क्वेश्चन यदि वह इंग्लिश में कर लेता है, दोस्तों यदि इंग्लिश आप पढ़े होंगे तो इंग्लिश में 40 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। यदि इंग्लिश जो नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए दिक्कत होने वाला है क्योंकि जो पढ़ता है उसे मालूम रहता है कि कहाँ से ये नंबर आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो 40 नंबर यदि इंग्लिश से कोई स्टूडेंट्स करता है, और उसके बाद दोस्तों बचता है हमारा पास सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में भी यदि 40 क्वेश्चन स्टूडेंट्स कर लेता है तो इसका मतलब 40 गुना 80 और उसके बाद 155। ठीक है दोस्तों, 155 टोटल हो रहा है। इसका मतलब यदि आप इस एग्ज़ाम में 150 से 160 के बीच में क्वेश्चन करके आते हैं, ठीक है दोस्तों, कट ऑफ की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम तो बहुत जा सकता है, मैक्सिमम तो रीजनिंग में 50 भी किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। तो कट ऑफ में यदि 150 से 60 यदि आप करके आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि स्टूडेंट्स जो रहेगा यदि निगेटिव मार्किंग रहेगा तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां तो ज़रूर होंगी। ठीक है दोस्तों, यदि आप सही इतना करके लाते हैं, सही आपका 150 से 60 नंबर आता है, तब तो आपका सिलेक्शन पक्का है, इसमें कोई शक नहीं है। 150 से 60 आपका लक्ष्य रहना चाहिए, उससे ऊपर ही रहना चाहिए क्योंकि ये मिनिमम नंबर है, इतना तो आपका रहना ही चाहिए, इससे ऊपर रहेगा तब तो आपका सिलेक्शन पक्का ही रहेगा, ये समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद इस वीडियो में यह चर्चा करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कितना कट ऑफ था। तो दोस्तों, 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ था नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का, लेकिन उसके कट ऑफ के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सर्च किए हैं लेकिन कोई भी जानकारी उसके बारे में नहीं निकल के सामने आई है। लेकिन दोस्तों, 2020 में चूँकि 90 पोस्ट हैं तो 2020 करंट को ही लेकर चलता है इंसान। प्रीवियस ईयर में कितने भर्तियाँ थी, कितने स्टूडेंट्स ने भरा था फॉर्म, ये सब कट ऑफ पे डिपेंड करते हैं। तो इस भर्ती में दोस्तों ये मान के चलिए कि 150 से 60 आपके जो है कट ऑफ रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इस एग्ज़ाम में टीयर टू बी एड
आपका स्किल टेस्ट भी होने वाला है, तो 150 से 60 आपका कट ऑफ रहेगा, इससे जो है ज़्यादा नहीं जाएगा, 150 से 60 कट ऑफ रहेगा। अब इससे ज़्यादा नंबर आपको गेन करना ही होगा यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा, आपको कौन सी जानकारी और चाहिए उसके बारे में भी कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।